हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे पाइपिंग। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने फैब्रिक में इस तरह से क्रॉस पट्टी की कटिंग करेंगे। क्रॉस पट्टी की जो चौड़ाई होगी वो हमें 1.5 इंच रखनी है और लंबाई जितना आपका फैब्रिक है उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। अगर आपकी लंबाई कम हो तो आप 2-3 पट्टियाँ निकाल के उनमें ज्वाइंट लगा सकते हैं। इस तरह से हम इतनी चौड़ी एक क्रॉस पट्टी कट करेंगे। इस तरह से क्रॉस पट्टी को कट करने के बाद हम अपनी पट्टी का सीधा हिस्सा नीचे की साइड और उल्टा हिस्सा ऊपर की साइड रखेंगे और ये जो डोरी है उसे इस तरह से रखते हुए पट्टी को एक बार फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिर्फ 2 पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर इस डोरी के किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने 2 पैर का मार्जिन छोड़ते हुए अपनी पूरी डोरी को इस पट्टी के अंदर स्टिच कर दिया है। अगर आप यहाँ पर पट्टी के सेंटर में अपनी डोरी को रखते तो आपका ये वाला मार्जिन जो है वो यहाँ तक आता, फिर आपको इसे वापस यहाँ तक कट करना पड़ता। तो यहाँ पर अब आपको कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अब आपको एक बार और अपनी पट्टी को इस तरह से मोड़ना है। जितनी चौड़ी हमें पट्टी रखनी है उतना मार्जिन हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस पट्टी के किनारे पर स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हर ओर से इक्वल पाइपिंग हमारी तैयार हो चुकी है। तो पाइपिंग बनाते वक्त आपको इन 4 बातों का ध्यान रखना है। पहला, हमें पाइपिंग के लिए हमेशा क्रॉस पट्टी लेनी है। अगर हम राउंड नेक में पाइपिंग लगा रहे हैं, अगर स्लीव्स वगैरह या जहाँ पर स्ट्रेट पाइपिंग लगती है वहाँ पर आप सीधी पट्टी ले सकते हैं, लेकिन कभी भी जहाँ पर घुमाव है वहाँ के लिए आपको हमेशा क्रॉस पट्टी की ही पाइपिंग बनानी चाहिए, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो आपके फैब्रिक में झोल नहीं आएगा। दूसरा, जब भी हम अपने पाइपिंग के बीच में डोरी रखेंगे तो हमें उसे कभी भी सेंटर में नहीं रखना। अगर हम इस तरह से सेंटर में डोरी रखकर सिलाई लगाएंगे तो हमें बाद में सिलाई लगाने के बाद इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट करना होगा। तो इसलिए हम पहले ही यहाँ पर 2 पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से अपनी सिलाई को इस डोरी के साथ साथ लगाएंगे। तीसरा, जब भी हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी सिलाई इस डोरी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। और चौथा, जब हम इधर वाले फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, डोरी को सिलने के बाद जब हम इधर वाले फैब्रिक को फोल्ड करेंगे तो हमें उसे हर ओर से बराबर फोल्ड करना है ताकि हमारी पाइपिंग इस तरह से हर ओर से इक्वल बने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।